नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि स्मॉल फ्रेंड के एडिशन केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ हम फिंगर एबेकस में किस प्रकार से करते हैं। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि स्मॉल फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में फॉर्मूले की हेल्प कब लेनी पड़ती है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर है हमारा 9। तो 9 रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने राइट हैंड के सारी फिंगर को ओपन करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया हमारा 9। माइनस थ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने 3 फिंगर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा -2। अब हम -2 करने के लिए हमारे पास क्या सफिशियंट फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओनली 1 फिंगर अवेलेबल है और थंब अवेलेबल है। फिंगर की वैल्यू होती है 1, तो हम सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है क्या सब्ट्रैक्ट 2। तो इस तरीके के केसेस में जब हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन हमारे पास सफिशियंट फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। जब हमको माइनस करना है 1, 2, 3, 4, जो कि हमारे 5 से छोटा नंबर हो, और हमारे पास क्या होना चाहिए 5 अवेलेबल हो। तो ऐसे केसेस में हम जिन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले। तो ऐसे दो नंबर्स को हम स्मॉल फ्रेंड बोलते हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारा सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर हमारे पास नंबर 1 है, 1 में 4 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5, तो 1 का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है 4। नंबर 2 है, 2 में 3 ऐड करने पर हमको मिलता है 5, तो 2 का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है 3। इसी प्रकार से 3 में 2 ऐड करते हैं तो होता है हमारा 5, तो 3 का स्मॉल फ्रेंड हो जाएगा 2। और नेक्स्ट नंबर है अगर हमारे पास 4, 4 में 1 को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 5, तो 4 का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है 1। अगर मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है -1, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, 5 हमको कैसे मिलता है, 1 प्लस 4। हम 1 को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 इक्वल्स -5 प्लस 4। अगर हमें जब भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो 1 का फ्रेंड होगा, 1 का स्मॉल फ्रेंड होता है 4, उसको हम ऐड करेंगे। अगर हमको -2 करना है तो -2 के लिए क्या करेंगे, हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 का फ्रेंड होता है 3, उसको हम ऐड करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमको -3 करना है तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 3 का फ्रेंड होता है 2, 2 को ऐड करेंगे। अगर हमको -4 करना है, -4 का फॉर्मूला हो जाएगा 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 का स्मॉल फ्रेंड होता है 1, उसके फ्रेंड को ऐड करेंगे। तो चलिए इन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9, ये हो गया हमारा 9। -3 -3, -2 का फॉर्मूला होता है -5 प्लस 3। अभी +1 करना है, +1 का फॉर्मूला होता है +5 -4, आंसर इज 5। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7, 5, 6, 7, -4 -5 +1, 4 का फ्रेंड होता है 1, तो +1, +6 5, 6, -1 -1, आंसर इज 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट एग्जांपल 7, 5, 6, 7, -2 -2, -1, अभी हमारे पास 1 फिंगर अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़ करेंगे -1 के फॉर्मूले का, -5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 6, 5, 6, -1 -1, अगेन -1, -5 प्लस 4 प्लस 5,
प्लस 5, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 8, 5, 6, 7, 8, माइनस 3। अब हमको करना है माइनस 3 का फ्रेंड होता है 2, तो -5 + 2 + 2, आंसर इज 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 6, 5, 6, माइनस 4 का फ्रेंड होता है -5 + 1 + 1 + 6, 5, 6, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 8, 5, 6, 7, 8, -1 - 1 - 3, 3 का फ्रेंड होता है 2, तो -3 का फॉर्मूला होता है -5 + 2 + 5, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 7, 5, 6, 7, -6, 5, 6, +4 के लिए करेंगे हम +5 - 1 + 2, आंसर इज 7। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 4 + 3, +3 का फॉर्मूला होता है +5 - 2, -6, 5, 6, +2 + 2, आंसर इज 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो हमने सीखा कि स्मॉल फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और उनको एग्जाम्पल में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।